मैं इसमायर इकबाल बिनती श्रीफंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन बहावलपुर के प्लेटफॉर्म से मैं इस वक्त हाजिर हूँ डेरा अब्दुस्तार बलोच पर। और यहाँ पे ये जो हैंडपम्प है, अभी मैं इसका पानी टेस्ट कर रही थी। आप यकीन करें कि जितने हैंडपम्प पहले से लगे हुए हैं उनमें हमारे जितने सोलर प्लांट्स हैं उनमें सबसे बेहतरीन और सबसे मज़े का पानी इसका मुझे लगा है। बिल्कुल मीठा और बिल्कुल जैसे मिनरल वाटर टाइप पानी होता है, सेम वैसी ही इसकी इसका टेस्ट था। मुझे बड़ा अच्छा लगा पी के। और ये मोहम्मद इशफाक मुश्ताक साहब जो है अपना फ्रंट डेस्क पुलिस ऑफिसर, उन्होंने इस हैंडपम्प को लगवाने में जो हमारी माली मुआवनत की, अल्लाह का शुक्र है कि चीज़ें नियतों पे डिपेंड करती हैं। काफ़ी अरसा से वो कह रहे थे कि मैं इस इलाके के लिए कुछ करना चाहता हूँ और अल्लाह ताला ने देखे कितना अच्छा पानी का एक पॉइंट जो था अल्लाह ताला ने उनके लिए लिखा हुआ था। और ये यहाँ के इलाके में चनन पीर के इलाके में जो डेरा अब्दुल सतार बलोच है, ये बड़ी अहमियत का हामिल है। इस हैंडपम्प से चनन पीर के आगे मेले आते हैं, गुजरगाह, ये साथ इधर एक रोड है, तो रोड से जितने भी लोग आते हैं इस साइड पे, तो वो ज़्यादातर ये आजकल जैसे कपास की चुनवाई हो रही है, वो लेबर जो होती हैं ख़वातीन वो यहाँ पे पानी पीने के लिए आती हैं। फिर आगे से रोड से लोग पानी पीने के लिए आते हैं यहाँ पे। और जिस जिन दिनों मेले होते हैं उन दिनों तो ये यहाँ पे मसरूफियत का ये आलम होता है कि बंदे को टाइम नहीं मिलता, लोग खड़े होते हैं इंतज़ार में कि हमें जो है पानी मिल सके, हमारी बारी कब आएगी। अल्लाह का शुक्र है हम लोगों ने इस इलाके में बहुत सारे वाटर पॉइंट लगवाए हैं और अब तक 445 उनकी तादाद हो चुकी है। उनमें ये बड़ी अहमियत का हामिल। मेरा आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है हमारे इन इलाकों में बढ़ती हुई पानी की जो कमी है उसमें हमारे इदारे को, बिनती श्रीफंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट कीजिए, हमारा साथ दीजिए, ताकि मज़ीद हम जो है यहाँ पे इन लोगों के लिए पानी जो है वो उनको तोहफा दे सकें। अब्दुस्सार साहब आइएगा ज़रा भाई। हाँ जी, आप थोड़ा सा बताएं कि ये नलका जो है किस तरह इसकी अहमियत है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। बाजी ये नलका लगा ना, ये नाल कलोनी है, 1 किलोमीटर ते। अच्छा। काफी लोग इतने परेशान होते हैं कि पानी थुके नहीं मिलता, कहीं कदे नहीं मिलता, खाले दा पानी आ तो लोग त्रसते हैं। जिस टाइम वो नलका लग गया, ये नलका लग गया, हूँ 1 किलोमीटर ते आदमी निके निके बच्चे केन चाहते, बोतल चाहते, माइया घड़े चाहते, वो आंदियां निथान ते पानी भरेंदियां। माशाल्लाह, और तुहाडा शुक्रिया भी अदा कर दिया, दवाई भी दे दिया कि उन्हें लोगों को कौड़ा पानी मिलते, इतना कौड़ा होंगे कि पीवन के काबिल कह नहीं। उन्दे वास्ते माशाल्लाह ये तुम जरा लाया है, इन्दे नाल साड़ी डाढ़ी मुश्किल हालत ही है। उस तू बाद जेड़े मेले आंदे ना, असा किला विघा जा छोड़े ने, उन छोड़न नाल इंथा फैमिली आंदी है, निके निके बाल औरतां वल ओडे रश होंदा है। उस रश दी वजह तू लोग वल साइड ते आवेंदे ने, इत्थां आण ते सहूलत गिंदे ने। ते हुण वेले वल पानी चार च फिर नहीं मिलदा, हुण वेले नहरां दा पानी वी जेड़ा दूर थी वेंदे, उस वेले नलके इस्तेमाल करेंदे ने, ते दवाई करेंदे ने वे जैन लवाया अल्लाह को जन्नत जा देवे, या लालू को हज करावे, या मकसद उन दे बच्चे न लाऊं को तंदुरुस्ती सारा तंदुरुस्ती दे सेहत दे। माशाल्लाह बहुत अच्छी मेहरबानी है। हां जी, बहुत अच्छे इनके ख्याल करते हैं। शाम का टाइम, मगरिब के बाद का वक्त हो चुका है और हम लोग अब वापसी के लिए निकलने के लिए तैयारी पकड़ रहे हैं। आप सबका बहुत शुक्रिया मोहम्मद इशफाक साहब, आपने इतना हमारे लिए किया, हमारे इलाके के लिए, उसके लिए हम आपके बेहद थैंकफुल हैं। सबसे बड़ी ज़ात अल्लाह की, जिसकी मदद से, जिसकी तौफीक से, जिसकी रहमत से हम लोग ये जो काम अवलीन और अफजल सदका जारिया है वो ड्यूटी अल्लाह पाक ने हमारे ज़िम्मे लगाई है और हम इसे निभा रहे हैं। अल्लाह ताला इसी तरह हमसे ये काम लेता रहे, दुआ में याद रखिएगा। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।